हेलो जहन, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, जिन भी भाई बहनों ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद, मतलब एक ऐसा होता है नेचर इंसान का, चाहे आपकी जगह मैं हूँ या कोई भी हो, अगर आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी अंदर से बेचैनी लगी होती कि आंसर की कब आएगी, मुझे भी जल्दी से जल्दी पता चले कि मेरे नंबर कितने हैं, जिससे मैं अपनी आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए तैयारी करूँ। और आप ये बिल्कुल मतलब श्योर है कि मेरी वीडियो ही नहीं, मेरे से पहले पता ना आपने कितनी वीडियो देख ली होंगी और कितनी मेरे के बाद आप देखेंगे, क्योंकि ये दिल ऐसा ही है कि मानता नहीं है। ठीक है, तो देखिए आंसर की आपको बात बताऊं, आंसर की पहली बात तो अब तक क्यों नहीं आई और कब तक आपकी आने वाली है। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है कि आपके जो एग्जाम है, जो लास्ट एग्जाम हुआ आपका, वो हुआ आपका 7 मार्च को। 7 मार्च को आपका एग्जाम खत्म हो गए। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारे भाई बहनों को लग रहा था कि इसकी जो आंसर की है 7 मार्च के बाद 8 को आ जाएगी, 9 को आ जाएगी, 9 को नहीं आई 10 को आ जाएगी, लेकिन 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब निकल गया और आज 14 तारीख है, अभी तक आंसर की नहीं आई। तो देखो इसका रीजन क्या है, मैं आपको बताऊं। एसएससी में हर बार क्या होता है, आप एक चीज नोटिस करना, मैं हर बार इस चीज को नोटिस करता हूँ कि उसमें क्या होता है कि जो उसकी मतलब जो प्रक्रिया रहती है ना कि इस डेट तक हमें ये चीज करानी है, जैसे उसने एग्जाम कराए 7 मार्च तक, लेकिन उसके बाद भी वो अपने 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेकर के चलती है। उन्होंने जो डेट दी थी पहले, आप यहाँ देख भी सकते हैं, उन्होंने जो डेट दी थी पहले जो एग्जाम कराने की, वो दी थी लास्ट 12 मार्च तक की। यानी कि उन्होंने पहले शेड्यूल फिक्स किया था अपना कि जो वो एग्जाम है वो 12 मार्च तक कराएंगे, लेकिन उनके जो एग्जाम है वो खत्म हो गए 7 मार्च को ही। ठीक है, वो हमेशा 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। अब 12 मार्च तक इसी वजह से आंसर की नहीं आई थी, 12 मार्च तक किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा वो नहीं था कंफर्म कि आंसर की आ जाएगी, और आनी भी नहीं थी, क्योंकि 12 मार्च तक तो उन्होंने यही सोच रखा था कि हम उसका जो एग्जाम कराएंगे। ठीक है, अब 12 मार्च के बाद कभी भी आ सकती थी लेकिन नहीं आई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कल 13 तारीख भी निकलेगी, आज 14 मार्च है, आज आपकी सबसे ज्यादा चांस है कि आज आपकी आंसर की आउट हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि स्टूडेंट लाइफ में, मैं मान रहा हूँ कि आपको आंसर की अपनी बहुत जल्दी है, लेकिन इसमें हम पता है स्टूडेंट लाइफ में एक सबसे कॉमन चीज होती है, वो अगर आप उसको राजी राजी स्वीकार कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको वो मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जबरदस्ती या गैर राजी अपने मन से स्वीकार करनी पड़ेगी, वो होता है पेशेंस। इस स्टूडेंट लाइफ में हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। आज आपकी आंसर की बहुत ज्यादा चांस है कि आज आपकी आंसर की आ जाएगी। अगर आपकी नई आंसर की है आज, तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी जो आंसर की लास्ट 16 तारीख तक आपकी आंसर की आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें मतलब ऐसा तो है नहीं कि आंसर की आप बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल एकदम डेट फिक्स कर दूँ या टाइम फिक्स कर दूँ। ठीक है, बस अब तक जो जिस तरीके से होता है मैं उस बेस पर आपको बता रहा हूँ, आपकी आंसर की या तो आज आ जाएगी, अगर आज नहीं भी आई तो आप ये मान करके चले आपकी जो आंसर की है वो 16 तक आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पेशेंस करना, मैं मान रहा हूँ कि आप पर बिल्कुल भी एकदम ऐसा हो रहा है कि मतलब जल्दी से जल्दी आंसर किया गया, वो ऐसा होता है। ठीक है, जब पेपर दे देते हैं ना तो ऐसा होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अभी से अपनी फिजिकल एक्टिविटी चालू कर दीजिए, क्योंकि कल को अगर आपका फिजिकल हुआ, आपका नंबर आ गया, ठीक है, तो आप एक साथ अगर फिजिकल की तैयारी करेंगे तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली पुलिस में कैसा हुआ था आप सभी को पता ही है, दिल्ली पुलिस में इसी वजह से मतलब बहुत सारे भाई बहन, मतलब ये समझ लीजिए कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं दिल्ली पुलिस में, और शायद किसी और वैकेंसी में भी नहीं हुआ, इतने लड़के फेल हुए। 100-100 के बैच में से 10-15-20 इतना एवरेज निकल रहा था पास होने का। ठीक है, तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, और ये फिजिकल सिर्फ एसएससी जीडी में ही नहीं, हर जगह काम आएगा, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका आरपीएफ हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका, जो वर्दी वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए आंसर की मैंने आपको बता दी, और भी आपको कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अपनी यूपी पुलिस की भी भाई अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना, क्योंकि यूपी पुलिस ऐसा नहीं है कि आप ये दिमाग में कहीं ये फिक्स कर लो कि 6 महीने में हमें मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे चुनाव होगा तुरंत उसके बाद आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, तो अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और भी आपको डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।